एक स्पोर्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के इंडिया के स्क्वाड से एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो बाहर हो चुका है। जी हाँ, इंडिया के बैटिंग ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षर पटेल जो है वो इंजरी का शिकार हुए हैं और वो अब ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। और इंडिया ने अब स्क्वाड में शामिल किया है अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन, जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं और उसके साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। एक वसी तजर्बा है अश्विन का। हरभजन सिंह के जाने के बाद अश्विन इंडिया की टीम में आए और एक लंबे अरसे तक वो ओडीआई क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया की टीम की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। और अभी जो कुछ दिन कबल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीन वनडे मैचेस की सीरीज खेली गई, उसमें भी हमने देखा कि अश्विन ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। सीनियर खिलाड़ी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास। इंडिया की जो कंडीशंस हैं, इंडिया की जो पिचेस हैं, उसमें बड़े इफेक्टिव साबित होते हैं अश्विन इंडिया की टीम के लिए। और उनकी वापसी हुई है अक्षर पटेल की जगह। अब कुछ लोगों का कहना है कि अक्षर पटेल का स्क्वाड से बाहर होना इंडिया के लिए नुकसानदेह है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि अश्विन की जो वापसी हुई है इससे इंडिया की टीम को फायदा होगा, क्योंकि वो जिस तरह के बॉलर हैं, जिस तरह उनके पास तजर्बा है, तो इससे इंडिया के स्क्वाड, इंडिया का जो स्क्वाड है, इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है, खासकर स्पिन डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी मजबूत होगा। आप लोगों की क्या राय है कि अक्षर पटेल का होना ज़रूरी था स्क्वाड में, या फिर उनको जो इंजरी हुई है उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट में अश्विन को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? कौन से खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा होते तो ज़्यादा बेहतर होता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपके साथ अपडेट्स का सिलसिला इसी तरह शेयर करते रहा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।